तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिविल इंजीनियर्स, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कुछ ऐसे बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ज़्यादातर इंटरव्यूज में सिविल इंजीनियर से पूछे जाते हैं, तो वो पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा वेट कराता हूँ वीडियो के लिए, तो उसके लिए मेरी जो गलती है वो मेरा है टाइमिंग का, एक शेड्यूलिंग, तो टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है क्वालिटी के कंटेंट की, तो वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज की वीडियो में जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर एक सिविल इंजीनियर को पता होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का सबसे पहला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं साइट पर, वो तो उन्होंने सीमेंट से रिलेटेड, कंक्रीट, आरसीसी के ये सारे काम कराते हैं। वहीं जब कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसी भी कॉन्क्रीट में, यानी कि एक क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट में मैक्सिमम सीमेंट का कंटेंट कितना होना चाहिए या फिर एक मिनिमम कंटेंट कितना होना चाहिए, यानी कि उसकी लिमिट कितनी स्पेसिफाई है, तो इसके जो सारे जवाब हैं ये आपके IS 456 में लिखे हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एक क्यूबिक मीटर में जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि IS 456 क्या कहता है क्लॉज नंबर 8.2.42 में कि एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट में 450 kg से ज़्यादा सीमेंट आप उसमें मिक्स नहीं कर सकते हो। वो क्यों नहीं कर सकते हो वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। लेकिन जब बात आती है कि आरसीसी के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मिनिमम। अब मिनिमम के केस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, यानी कि इसकी क्लैरिटी जो है वो IS 456 में प्रॉपर नहीं दी हुई है, उसके कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आज इसी वीडियो में अभी समझाऊँगा। अब देखिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट में अगर आप जाओगे IS 456 की टेबल नंबर 5 में, टेबल नंबर 5 में जो हमारा आरसीसी वाला सब हेड है, तो उसमें M20 और M25 ग्रेड के लिए जो मिनिमम सीमेंट का कंटेंट है वो हमारा 300 kg दिया हुआ है। लेकिन जब टेबल खत्म होने के बाद जो नीचे नोट्स लिखे हुए हैं तो उसमें ये चीज़ भी स्पेसिफाइड है कि IS 456 में कि जो क्लॉज नंबर 5.2 में जो एडिटिव्स आपको यूज करने हैं सीमेंट को रिप्लेस करने के लिए, तो वो भी क्वांटिटी आपकी इन्हीं 300 kg में इंक्लूड है। और 5.2 में कौन कौन से एडिटिव्स हैं आपके, एक हो गया आपका फ्लाई एश और दूसरा हो गया सिलिका फ्यूम, और जहाँ पर जैसी इनकी रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पर इनको डिजाइन मिक्स में ऐड किया जाता है। अब 300 kg में से कितना हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो अभी जो हमारा लेटेस्ट रिवीजन आया था IS 1489 पार्ट 1 में, और इसका CPWD में मेंशन भी है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो 35% आप सीमेंट को रिप्लेस कर सकते हो इसमें से। अब 35% को आप इसमें रिप्लेस करके इसको ऐड कर दीजिए तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका मिनिमम सीमेंट के लिए उसका जो कंटेंट है क्वांटिटी का पर क्यूबिक मीटर के लिए। अब 35% आपको निकालना है तो इसका कितना बनेगा आपका 10% के लिए कितना हो गया 30 kg, और मल्टीप्लाई वाई कितना है आपका 35, ये आपका है 10%, तो मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ 30, फिर आपका हो गया ये 10, फिर और 30, फिर ये आपका 10%, और बाकी 5% कितने में आएगा 15 kg में, तो टोटल कितना हो गया ये 105 kg। और 105 kg को अगर मैं यहाँ से उठा के माइनस कर देता हूँ तो जो मिनिमम सीमेंट का कंटेंट है अप टू M25 ग्रेड के लिए वो 195 kg सीमेंट निकल के आता है। वहीं कंक्रीट का ग्रेड अगर अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इसी के अकॉर्डिंग आप उनमें भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे 320, 340, 360 के लिए। तो जो मिनिमम सीमेंट का कंटेंट है वो आपका 195 kg है।
अब बात आती है कि मैक्सिमम आपका 450 केजी ही क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन होता है कि जब आप सीमेंट में पानी मिलाते हो तो उसमें हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन से हीट होती है। अगर आप सीमेंट बहुत ज्यादा मिला दोगे तो वहां पर एक्सेसिव हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे कॉन्क्रीट में थर्मल क्रैकिंग या उसकी जो लेयर्स बनेंगी कॉन्क्रीट उनमें क्रैकिंग हो सकती है, माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं जो आपको ऐसी विजिबिलिटी में नहीं दिखेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो जाएगी। इस क्लॉज को अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो इसका जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि थर्मल के जो श्रिंकेज वगैरह होंगे तो उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। तो इसलिए 450 केजी से ज्यादा IS 456 इसको रिकमेंड नहीं करता है। तो आई होप ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो वीडियो को अभी लाइक करें। इसके बाद में मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे इंजीनियर्स की मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि प्ले स्टोर पर या फिर जो एप्पल के स्टोर पर ऐसे कौन से ऐप्स हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हैं। तो उन्हीं में से मैं एक ऐप बताना चाहूँगा आपको, बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कि इंडस डेवलपर ने डेवलप किया है। और इसमें आप BBS से रिलेटेड बहुत सारी कैलकुलेशन जो डेली बेसिस पर आपकी साइट पर यूज होती हैं तो वो सारी कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हो, और ये एक बहुत ही डिटेल्ड ऐप है। इसके बाद मैं बात करूं जो भी इंजीनियर्स टोटल स्टेशन सीखना चाहते हैं, तो टोटल स्टेशन के केस में ये आपका बहुत ही एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और इसमें बेसिक से लेकर हाई एंड लेवल तक आपको कैसे सर्वे करना है वो आप इस ऐप में सीख सकते हैं। अब ये जो ऐप है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है और इसको यूज कर रहे हैं, और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। जितने भी ऐप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इसी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जैसे आपको ऑटो लेवल की लर्निंग सीखनी है कि कैसे ऑटो लेवल का सर्वे किया जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाएंगी। इन तीनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, और मैं आपसे कहूँगा आप इन ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड करें। और हमारे जो फ्रेंड हैं अंकुश शर्मा, जो इस ऐप्स को डेवलप कर रहे हैं, अगर आपको कुछ लग रहा है इसमें कुछ कमियां हैं तो वो ज़रूर इसमें जो रिव्यू वाला सेक्शन आप उसमें बताएं, जिससे कि वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंप्लीमेंट कर सकें और इसका जो बेनिफिट है वो सभी इंजीनियर्स ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, इन ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो अगला सवाल है वो हमारा स्टील सप्लाई से रिलेटेड, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप एक बिलिंग इंजीनियर हैं, QS इंजीनियर हैं या कॉस्टिंग इंजीनियर हैं, तो आपको ये पॉइंट आज आपको समझना ही पड़ेगा। अगर किसी प्रोजेक्ट में स्टील का क्वांटम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो पहले केस को समझाऊंगा, सॉल्यूशन को बाद में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर कोई क्लाइंट है ए, उसने क्या किया, एक कंपनी को, टाटा को, जिंदल को, जो कि बी है, इसको एक ऑर्डर दिया 30 मीट्रिक टन, यानी कि छोटा क्वांटम लेके चल रहे हैं, 30 मीट्रिक टन का ऑर्डर दिया स्टील की सप्लाई के लिए, जो भी उसकी डाया की रिक्वायरमेंट थी। अब जब स्टील सप्लाई होगा तो आपके पास कौन सा डाटा आएगा, बहुत ध्यान से समझना। यानी कि जो फैक्ट्री से जो गाड़ी लोड होगी तो वहाँ पर उनकी वेइंग मशीन होगी, यानी जिसको हम धरंग बाटा बोलते हैं, तो वहाँ पर वो स्टील लोड हुआ 29.5 मीट्रिक टन, जबकि ऑर्डर कितने का दिया गया है, 30 मीट्रिक टन का। अब जब अगर उनका धर्म कांटे में, यानी कि जो स्लिप में, वेट स्लिप में वेट इतना आया है, तो जो ये बी है, तो जो टैक्स इनवॉइस आपको मिलेगी, यानी कि जो टैक्स इनवॉइस वो आपको देगा, वो सेम एज इट इज 29.5 मीट्रिक टन की ही देगा। ये दोनों सेम होंगी, ये आप कभी चेक कर लेना। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, मान लीजिए वो स्टील जब आपकी साइट पर आएगा, और आपकी साइट पर भी मान लीजिए जो वेइंग मशीन लगी हुई है वहां पर जब आप वेट करते हो, तो वो मान लेता हूं 29.4 मीट्रिक टन मिलता है, और आप दूसरी जगह जाते हैं, मान लीजिए दो जगह कराते हैं वेट, तो 29.38 मीट्रिक टन मिलता है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है सीमेंट, यानी अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो 100 केजी यहां पर कम है और यहां पर 120 केजी कम है। अब सवाल ये उठता है कि सप्लायर को पेमेंट कौन सी होगी, यानी कि इसके हिसाब से पेमेंट होगी, इसके हिसाब से होगी कि इसके हिसाब से होगी। और जब आप ये सारी चीज़ें अपने रजिस्टर में मेंटेन करोगे तो आप कौन सी क्वांटिटी मेंशन करोगे, यानी कि आपने स्टील को फिजिकली भी चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है सॉल्ट का, तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन देंगे। अब देखिए, कभी भी इसका मैं जवाब बता रहा हूँ, कभी भी परचेज ऑर्डर बनता है स्टील की सप्लाई के लिए, तो उसमें एक पॉइंट लिखा जाता है
कि अगर सप्लाई, बहुत ध्यान से समझना कि अगर सप्लाई के केस में प्लस या फिर माइनस का केस है, यानी कि क्वांटिटी एक्सेस हो रही है तो और कम हो रही है तो विद इन द लिमिट ऑफ इसके कांटे से है, कितने से, 5 kg पर मीट्रिक टन। तो उस केस में, यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा सपोज 29.5 है, इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, मैं 30 मीट्रिक टन पे कैलकुलेट कर देता हूं, 30 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये मेरा कितना हो गया, 150 kg। अब यहां पर जो सॉर्ट हो रहा है स्टील, वो 150 kg विद इन दी लिमिट में है, यानी कि 100 kg आपका कम है कहां पे, साइट पे, लेकिन वो 150 kg की लिमिट में है, 120 kg भी आपका 150 kg की लिमिट में है। तो इस केस में सप्लायर की जो इनवॉइस होगी वही पेमेंट उसको की जाएगी। अगर ये लिमिट 150 kg से ज्यादा हो जाती है, मैं मान लेता हूं यहां पर मेरा स्टील शॉर्ट हो जाता है इन दोनों को एक्सेस करके 200 kg, तो वहां पर 100% डिडक्शन कर लिया जाएगा इस सप्लायर का, यानी समझ रहे हो ना। अगर उसकी जो लिमिट है पर टन पे, यानी 30 टन की गाड़ी है, अगर वो 40 टन की होती, 45 टन की होती है, 5 kg पर मीट्रिक टन के अंदर है, तो सप्लायर ने जो इनवॉइस जनरेट की है वो उसको पूरा पेमेंट दिया जाएगा। अगर इस लिमिट के बियॉन्ड लेस हो जाता है, आपने एक कांटा कराया, दो कराया, तीन कराया, तो वहां पर उसका पूरा पैसा जो भी उस पीओ के रेट में होगा वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक लिमिट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप जो भी अपने स्टोर के रिकॉर्ड में मेंशन करोगे जो भी डेटा को, तो वो आपका जो एक्चुअल साइट पे जो डेटा की एंट्री हो रही है वो आपको यही वाली एंट्री करनी है, आपको इनवॉइस से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में भी मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थोड़े दो जो थे बड़े पॉइंट थे, अब हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है ट्रिमिक्स फ्लोरिंग, ये मुझसे एक कमेंट में भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था उसका, ट्रिमिक्स ऑब्लिक वीडीएफ फ्लोरिंग, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग। अब देखिए, साइड बाय साइड कभी भी हम वीडीएफ की फ्लोरिंग करते हैं तो हम चैनल वगैरह लगाते हैं काफ़ी सारे, ये इस टाइप से जो भी आपके सेक्शंस बनते हैं। अब उन जब हम उसमें कॉन्क्रीट लेइंग कर देते हैं और जब उसमें से हम अपना वैक्यूम पंप लगाकर जो मैट बिछाकर उसकी डिवाटरिंग करते हैं, तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि जितना पानी एक्सेस था वो हमने निकालना था वो हमारा पूरा हो गया है, ये आप कैसे पता लगाओगे, यानी कि कोई एक ऐसा मीटर है, या फिर आप कैसे पता लगेगा कि उसकी जो वीडीएफ की जो प्रोसेस थी, यानी कि अगर आप साइट पर खड़े होकर काम करा रहे हैं तो उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है, ये आप कैसे पता लगाओगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा, कभी भी वीडीएफ फ्लोरिंग जो की जाती है उसका जो मेन पर्पज होता है एब्रेशन के जो क्लास को इंक्रीज करना, यानी कि उस पर कितनी भी गाड़ियां चलें, कुछ भी हो, तो उसकी जो टफनेस के थ्रू उसको वो पील ऑफ या फिर वो सब चीज़ें की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वीडीएफ हम करते ही इसीलिए हैं कि जो कंक्रीट का जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ड्यूरेबल हो जाए। अब वीडीएफ करते टाइम हमारी दो चीज़ें उसमें मेन होती हैं, पहला हमें वीडीएफ का कैसे पता लगेगा, उसके पीछे का रीजन होता है कि आपने जो कॉन्क्रीट डाली हुई है तो आप डिवाटरिंग करते करते जब आपको लगने लगे कि वो जो सरफेस है कंक्रीट का इतना हार्ड हो गया है कि आप उस पर चल सकते हो, यानी कि जो भी मेंबर उस पे काम करने वाले हैं, जो भी आपके वर्कर हैं, कि उसके ऊपर चल सकते हैं, उसके अंडुलेशन में कोई ज्यादा सरफेस नहीं है, यानी कि आपकी जो ट्रॉवल की मशीनें हैं, ब्लेड्स हैं, वो उस कंक्रीट को चलाने लायक, यानी कि जो ट्रॉवल फिनिश करने लायक हो गए हैं, तो तब आपको पता लगता है कि आपकी जो वीडीएफ की फ्लोरिंग है या फिर उसमें जो वैक्यूम्स के थ्रू पानी निकालना है वो कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर मैं इसका सेक्शन काट दूं, तो आप जब कंक्रीट डालते हो तो उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नीचे होते हैं, यानी कि वीडीएफ करने से पहले, और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके ऊपर होते हैं। लेकिन जब प्रॉपर सक्शन जब डिवाटरिंग की जाए तो जो एक ड्यूरेबिलिटी है वीडीएफ फ्लोरिंग की, यानी कि जो एब्रेशन का जो एक क्लास है वो कैसे बढ़ता है, ये आपका अभी क्या है, ये एक नॉर्मल केस है। लेकिन जब आप उसकी वीडीएफ कर दोगे तो जो आपके बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ केसेस में ऊपर की तरफ चले जाते हैं,
और कंक्रीट आपकी ऑलमोस्ट सेट हो चुकी होती है, जैसे कि मैंने बताया था वीडीएफ के केस में, और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ हो जाते हैं, आप इमेज में भी एक सेक्शन में देख सकते हो। तो इस बेसिस पर इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, और इसीलिए इसकी सारी जगह यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, आपके बेसमेंट्स हो गए, कार पार्किंग हो गए, रोड्स हो गए, जो हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, तो इन्हीं बेसिस पर ट्रिमिक्स की एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसमें हमने दो पॉइंट क्लियर किए और ये वाले पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपको प्रॉपर समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।